हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइरे एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये माइरे एसेट लार्ज कैप फंड है ये क्या है। देखिए, इसका जैसे नाम ही है लार्ज कैप फंड, तो इसमें जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, यानी कि जो अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की हिसाब से देखेंगे तो जो एक से लेके 100 स्टॉक तक आते हैं वो जो लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं। तो जो ये माइरे एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये टॉप की 100 कंपनीज में होता है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें कि इस फंड ने पिछले सालों में रिटर्न कैसा दिया है, तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इस फंड ने करीब 19.5% का रिटर्न दिया है, और वही अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने करीब 57.6% का रिटर्न दिया है, और अगर बात करें पिछले 3 साल की तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 15.3% का रिटर्न दिया है, और अगर बात करें पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में इस फंड ने करीब 16.9% का रिटर्न दिया है। और अगर इंसेप्शन से देखें, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर ये फंड को देखें तो ये 17.7% का रिटर्न एनुअल बेसिस पे देता आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि ये पिछले सालों में इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है। तो अगर आप 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं इस फंड ने, मतलब पर मंथ आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो जो आपका रिटर्न होगा वो कितना हो गया होगा, तो चलिए स्क्रीन पर ये भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP पिछले 1 साल से पर मंथ करते आ रहे हैं तो इसकी जो आज की समय में वैल्यू हो जाएगी वो करीब हो जाएगी 15,060 रुपए, और जो इसका प्रॉफिट हो रहा होगा आपको इसमें करीब 3,060 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी कि अगर पिछले 3 साल से आप 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में, वो हो जाएगी करीब 49,838, या फिर बोलेंगे 50,000 के आसपास हो जाएगी। और इसमें जो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 14,000 के आसपास में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि पिछले 5 साल से अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ SIP करते आ रहे हैं तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 92,247, और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 32,247 का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 1,000 रुपए के SIP करते आ रहे हैं तो पिछले सालों में आपका जो रिटर्न है वो कितना बढ़ गया। और अभी हम देखते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए का लंबसम इन्वेस्टमेंट किया होगा 3 साल या 5 साल पहले, तो आज के समय में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चलिए ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले, तो जो आपका जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,278 रुपए, और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट होगा करीब 15.16% एनुअल बेसिस पे। और अगर पिछले 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट कर दिया होगा तो जो उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 21,886 रुपए, और जो ये आपका प्रॉफिट हुआ है ये करीब 16.95% पर एनम के हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में इस फंड की। तो वैसे NAV की बात करें तो इस फंड की जो NAV चल रही है अभी वो 74.96 रुपए चल रही है, और अगर बात करें इसकी रेटिंग की तो इसकी रेटिंग 4 स्टार भी है और 5 स्टार भी इसकी रेटिंग है। और अगर बात करें इसके AUM की तो जो इसका AUM है वो करीब है, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, 23,993 करोड़ के आसपास इसका AUM चल रहा है। और अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो जिसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.53% चल रहा है, और अगर इसकी कैटेगरी के एवरेज के एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो चल रहा है करीब 1.1%। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सपेंस रेशियो की नजर से देखें तो जो ये फंड है माइरे एसेट लार्ज कैप फंड है, जो ये एक्सपेंस रेशियो की नजर से आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.53% है, और इसकी ओवरऑल जो कैटेगरी है लार्ज कैप फंड की जो कैटेगरी है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.1% है। यानी कि आपको अगर दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरे फंड्स में आपको करीब 0.5% आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना होगा। तो वही अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें
तो अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000 रुपए से आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी होगी। और अगर बात करें लमसम की, तो लमसम अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 5000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो अभी तक हमने देखा है इस फंड ने पिछले सालों में कैसा रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब अगर बात करें AUM की, तो यानी जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 23,000 से 24,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप AUM की नजर से देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो AUM है वो अगर 15,000 करोड़ के ऊपर निकलता है तो जो आपका रिटर्न होता है वो थोड़ा कम मिलने लगता है। तो चलिए हम जो इसके टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, कि इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स वो क्या हैं, तो चलिए वो हम देख लेते हैं पहले। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। अगर बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की, तो सबसे पहले है इन्फोसिस, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और इसका जो इसमें एसेट एलोकेशन है वो 10% है। अगर बात करें HDFC बैंक लिमिटेड की, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें एसेट एलोकेशन है वो करीब 9.3% है। और अगर बात करें ICICI बैंक की, तो ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 8.6% है। और बात करें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और ये जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 8.4% है। अगर बात करें टाटा कंसल्टेंसी यानी कि TCS, तो ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.3% है। एक्सिस बैंक की बात करें, तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये 4.2% का इसमें एसेट एलोकेशन है। भारतीय एयरटेल की बात करें, तो ये कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है और जिसका एसेट एलोकेशन है वो 3.4% है। और अगर बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, यानी कि HUL, जो कि FMCG सेक्टर का स्टॉक है, उसमें इसका एसेट एलोकेशन है 3.2%। और अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें एसेट एलोकेशन है वो 2.9% है। तो अगर बात करें अपने आखिरी स्टॉक की, तो वो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जो कि हेल्थ केयर का स्टॉक है, जिसमें एसेट एलोकेशन है इसका ये 2.9% है। तो अभी हमने देखा कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से सेक्टर में है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी टॉप 10 होल्डिंग जरूर देख लें, इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है और उसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो कितना परसेंट है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किस किस सेक्टर में उसका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें, तो जो इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है, यानी कि कौन कौन से सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है, चलिए वो देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो उसमें इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 6% है। और एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो जिसमें एसेट एलोकेशन है 12.7% है। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 15.4% है। और अगर बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा है इसका एसेट एलोकेशन, वो करीब 35% के आसपास है। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, तो हेल्थ केयर में करीब इसका 7.2% इन्वेस्टमेंट है। और अगर FMCG की बात करें, तो FMCG में इसका 8% करीब एसेट एलोकेशन है। और बाकी अगर दूसरे अदर सेक्टर देखेंगे, तो उसमें करीब ये 15 से 16% के बीच में होल्ड करता है। तो अभी हमने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। आपने देखा कि जो फाइनेंशियल में करीब 35% होल्ड करता है, और अगर बात करें टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, तो वहां भी ये 15 से 12% के बीच में होल्ड कर रहा है। तो आपने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो किस तरीके से हुआ। मेरे पास कमेंट आया था कि आप अल्फा बीटा जो शार्प रेशियो है, ये सब रेशियो आप नहीं बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी से मैं इस वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूं कि जो इस रेशियोज होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो सबसे पहला जो रेशियो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ये हाई वोलेटिलिटी शो करता है। आप देखिए, जो इसकी परसेंटेज वैल्यू है वो 20.98% है। और इसका अगर लार्ज कैप फंड की कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, तो वो हो जाएगा 17.52%। और अगर इसकी बीटा वैल्यू देखेंगे, तो वो भी बहुत हाई वोलेटाइल है, क्योंकि वो 0.97% है। और इसके जो कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखेंगे, तो वो है करीब 0.78%। मतलब कि इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है इसका जो बीटा है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, देखिए सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर काम आता है जब आप किसी कैटेगरी एवरेज से आप इसको कंपेयर करें या फिर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक स्टॉक का 1.5 है और अगर किसी दूसरे स्टॉक का 1.2 है, तो जिसका 1.2 है जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो ज्यादा है अच्छा मतलब फंड माना जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न देता आएगा। क्योंकि
जो स्टैंडर्ड डिविएशन का असली मतलब होता है वो होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो वोलेटाइल कितना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वोलेटाइल ज्यादा होगा, तो मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो आपका जो म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी है वो उतनी ही कम होगी। तो जैसा कि स्टैंडर्ड डिविएशन काम करता है वैसा ही हमारा बीटा काम करता है। अभी आपने देखा कि जो इस माइरे से लार्ज कैप फंड का जो बीटा है वो 0.97% है और जिसके कैटेगरी एवरेज का बीटा है वो 0.78% है, यानी करीब 0.20% इसका बीटा ज्यादा है। तो क्या है कि ये हाई वोलेटाइल स्टॉक है, यानी कि हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, सॉरी स्टॉक बोल दिया मैंने, हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है। क्योंकि क्या होता है कि जिसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न मिलता है वो नहीं मिलता। अगर जितना ही ये बीटा लो होता है उतना ही आपका रिटर्न जो होता है कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है। अब वोलेटाइल का क्या मतलब है, हाई वोलेटाइल मतलब कि किसी किसी साल ये फंड हो सकता है आपको 25-30% रिटर्न दे दे, या फिर किसी साल हो सकता है आपको 7-8% रिटर्न दे, या फिर रिटर्न दे ही ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा होता है। तो आइए अब ये देखते हैं जो इसका शार्प रेशियो है, शार्प रेशियो वो कितना है, 0.56% है, और जिसके कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है वो है 0.43%। इसका मतलब ये है कि अब देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन शार्प रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आपको रिस्क के साथ आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है, तो इसीलिए शार्प रेशियो इस कैटेगरी में इसका ज्यादा अच्छा है। और अगर बात करें ट्रेनर रेशियो की, तो जो इसका ट्रेनर रेशियो है वो भी 0.12% है जो कि ज्यादा है, और अगर आप कैटेगरी एवरेज का इसका रेशियो देखेंगे तो 0.09% है। इट मींस कि जो इसका आपको रिटर्न मिल रहा है वो बेटर मिल रहा है, क्योंकि आपको रिस्क को मैनेज करके आपको यहाँ पर रिटर्न दे रहा है, मतलब रिस्क भी ले रहा है उसके साथ आपको रिस्क के साथ रिटर्न भी अच्छा दे पा रहा है ये म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में। और अगर बात करें सबसे लास्ट जो हमारा रेशियो है वो है जेनसन अल्फा, तो देखिए जो ये है ये 0.18% है, और जो इसका कैटेगरी एवरेज का जो इसका रेशियो है वो 0.15% है। इट मीन्स कि जो इसका ये भी ऐसा ही करता है कि आपको रिस्क लेने के साथ साथ आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से देता है, मतलब रिटर्न ज्यादा ही देता है ये, और ये अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा ही मतलब इसके वैल्यू है 0.18% है, और इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो 0.15% है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और इसका जो जेनसन अल्फा उसकी क्या वैल्यू होती है। तो समझ आइए थोड़ा ये समझते हैं कि जो ये शार्प रेशियो वगैरह होता है ये होता क्या है। देखिए शार्प रेशियो का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू हो आपकी कैटेगरी एवरेज से, या फिर आप किसी दूसरे फंड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि अगर ये फंड कुछ आपका रिस्क लेता है, मतलब ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर क्या है रिस्क के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी देता है, मतलब आपको वहां पर रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो शार्प रेशियो होता है, जो टर्नओवर रेशियो होता है, और जो आपका जेनसन अल्फा होता है, इसकी वैल्यू अगर आपकी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है या दूसरे फंड से ज्यादा है तो ये आपके म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होगा। तो मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में अपने ओपिनियन जरूर देता हूं। तो जैसे कि ये माइरे एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिस्क कम हो और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न मिलता रहे, मतलब अगर आप 3 साल 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा 7-8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो आपका म्यूचुअल फंड है इसमें रिस्क उतना ज्यादा नहीं। लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप रिस्क बोल सकते हैं कि वो मॉडरेट है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है, इस कैटेगरी एवरेज से आधा है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है। तो इस हिसाब से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको रिस्क कम रहे, मतलब रिस्क ज्यादा ना रहे, और आपका जो रिटर्न है वो भी मिलता रहे, अगर हम ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये करीब 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो अगर तब से हम इसका रिटर्न देखें तो वो करीब 17.7% के एनुअल बेसिस पे आपको मिलता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको इसमें रिटर्न भी करीब 18% के आसपास मिलता आ रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, और रिस्क के साथ, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत कम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लार्ज कैप में ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, अगर आपको लार्ज कैप चूज करना है तो इस म्यूचुअल फंड को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न मिलता रहेगा। तो आज इस वीडियो में हमने माइरे एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया। अगर आपको कोई डाउट हो इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।